हेलो गाइस, क्या हाल चाल, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस, ये लास्ट गेम प्ले वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ज्यादा तगड़ा सीन हो गया था। हम लोगों ने एक रेसिंग टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करा था और भाई हम लोग उस टूर्नामेंट की पहली रेस जीत भी चुके थे, लेकिन सेकंड रेस में भाई हमारे साथ कुछ बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मतलब यार, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। हमारी कार ना भाई पूरी ब्लास्ट हो गई रेस करते करते बीच में ही। पता नहीं यार कैसे, पर भाई रेस करते वक्त ना बीच में उस कार के अंदर से धुआं निकलने लगा और भाई एकदम से वो कार ब्लास्ट हो गई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर मतलब कार से निकल के कूद गया, वरना भाई मैं भी मारा जाता। अब मैं यार सीधा बैनी के पास जा रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ऐसा उस कार के साथ क्यों हुआ, क्योंकि बैनी ने हमें ये तो बताया था कि वो कार हीट हो सकती है, लेकिन उसने भाई ऐसा कुछ नहीं बोलता कि ये कार फट वगैरह जाएगी। अगर वो मेरे को बताता तो मैं और भी ज़्यादा ध्यान से उस कार को चलाता। एक सीन तो भाई ये हो चुका है, और दूसरा सीन भाई कि हम लोग एक रेस जीते हैं और एक रेस हार चुके हैं। मतलब यार अभी आई थिंक टाई हो चुका टूर्नामेंट, और यार पता नहीं वो गोल्डन प्लेटेड बुगाटी किसे मिलेगी, पर यार किसी भी हाल में वो बुगाटी मेरे को ही चाहिए, क्योंकि भाई मेरे को डगन बॉस से लेस्टर और जिमी दोनों को छुड़ा के लाना है। और भाई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि डगन बॉस कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है। वो जिमी और लेस्टर दोनों को मार देगा अगर भाई मैं उसके लिए ये गोल्ड प्लेटेड बुगाटी नहीं लेके गया। तो भाई किसी भी हाल में मेरे को गोल्ड प्लेटेड बुगाटी लेके जानी है डगन बॉस के लिए, अब चाहे मेरे को उसको चुरानी ही पड़े। अभी फिलहाल तो मैं बैनी के पास जा रहा हूँ अपने शोरूम पर। उसके बाद भाई मैं डायमंड कैसीनो जाऊँगा और वहाँ जाके उसके मैनेजर से बात करूँगा कि कौन जीता है ये टूर्नामेंट, और अगर टाई हुआ है तो भाई मतलब कैसे डिसाइड होगा किसे ये गोल्ड प्लेटेड बुगाटी मिलने वाली है। तो फिलहाल तो मैं अपने शोरूम आ चुका हूँ। मैं बैनी से जाके भाई कार के बारे में बात करता हूँ। टैक्सी बुला ली थी मैंने वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई कार नहीं थी। तो भाई कहाँ पर होगा बैनी, एक सेकंड भाई फटाफट चलते हैं यहाँ से। आई थिंक भाई वो रिपेयरिंग एरिया में ही होगा, मतलब गराज वगैरह में ही। उधर तो शोरूम में बहुत ही कमी से जाता है वो, तो मैं इधर गराज वाले एरिया की तरफ चलता हूँ। और गाइस यार मैं एक काम ना और कर लेता हूँ, मैं अभी फिलहाल अंडरवाटर माफिया को कॉल करता हूँ जल्दी से, और उससे ना भाई एक कार और गार्ड्स वगैरह बुला लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई कार नहीं है और मेरे को डायमंड कैसीनो जाना है। तो वो मेरे को एक कार वगैरह भेज देगा कोई, उसकी सिक्योरिटी के साथ मैं डायमंड कैसीनो जाऊँगा, वहाँ जाके बात वगैरह कर लूँगा, और उसके बाद देखते हैं यार आगे क्या करना है। अगर भाई टूर्नामेंट मतलब किसी को जिता दिया होगा उन्होंने तो भाई मेरे को कार चुरानी पड़ेगी, और ड्रॉ होगा तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग विनर, ये भी देखना पड़ेगा। तो यार बैनी गराज में तो नहीं है, शोरूम में होगा आई थिंक, उधर की तरफ चलते हैं। और यार मेरे को ना बैनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसे पहले ही पता था कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस है, और भाई फिर भी इसने ऐसा काम करा, हमें इसे बताना चाहिए। और वेट भाई, ये रहा सामने बैनी, और ये देखो भाई मस्त यहाँ पे सुट्टे मार रहा है और पूरा व्यू ले रहा है भाई। इसे ये नहीं पता हमारे साथ क्या सीन हो गया। मैं फटाफट इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ इससे ऐसा क्यों हुआ कि भाई वो कार ब्लास्ट हो गई। तो गाइस फाइनली मेरी बैनी से बात हो चुकी है, और बैनी भी यार काफ़ी ज़्यादा शॉक के अंदर है। ये कह रहा है कि भाई मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कार ब्लास्ट हो सकती है, और पहले तो भाई ये मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर भाई ये कह रहा है कि हो सकता है कि भाई वो कार जो है ना उस इंजन की पावर को मतलब झेल ना पाई हो, क्योंकि भाई वो इंजन जो है ना वो उस कार से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कार के लिए बना हुआ था, पर इसने फिर भी उसके अंदर फिट कर दिया था। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि भाई पहले वो हीट हो गई हो जब तुमने ठीक करी हो, उसके बाद अगली बार वो उसकी कार भाई वो सहन ही नहीं कर पाई हो और वो कार ब्लास्ट हो गई हो। तो मैंने कहा यार अब तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अंडरवाटर माफिया को कॉल करके बोल दिया, उसने भाई सिक्योरिटी भेजी दी होगी, आने वाली होगी सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ खड़ा होकर वेट करता हूँ, और वो कार और सिक्योरिटी जैसे आएगी उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायमंड कैसीनो, और वहाँ जाकर भाई उसके ओनर या फिर मैनेजर से बात करेंगे, मतलब जो भी वहाँ पर मिलेगा कि अपने रेसिंग टूर्नामेंट का रिजल्ट क्या रहा। गाइस यार काफ़ी देर हो चुकी है, और आई थिंक भाई उसकी कार आ भी चुकी है। हाँ गाइस, तो फाइनली भाई उसकी कार आ चुकी है जो अंडरवाटर माफिया ने हमारे लिए भेजी है। भाई कहाँ रह गए थे, इतना टाइम लग रहा है, फटाफट चलो यार डायमंड कैसीनो। तो गाइस फटाफट से यार मैं डायमंड कैसीनो पहुँचता हूँ, भाई इससे बोलता हूँ जल्दी चलाने को, कहीं यार हम लोग लेट ना हो जाएं और भाई वो विनर को कार दे दें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई जीता कौन है और चुरानी किससे हमें कार। तो फटाफट से चलते हैं यार डायमंड कैसीनो, लेट्स गो। अबे भाई थोड़ा तेज चला ले यार, जल्दी चला। तो गाइस यार फाइनली हम लोग डायमंड कैसीनो के पास पहुंच चुके हैं, बस ऑलमोस्ट यहाँ से राइट ले लो और फिर डायमंड कैसीनो के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। और भाई सामने की तरफ मेरे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई दिख रही है। आई थिंक क्या है कि भीड़, ओ वेट भाई बीच में लैम्बोर्गिनी खड़ी आई थिंक, ये पता नहीं कौन सी है, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, क्या सेंटर्नियो सेंटेरियो पता नहीं नाम क्या है, पर भाई तगड़ी लग रही है। और सामने की तरफ काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं, पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। बाहर क्यों खड़े हैं, पर ये अंदर क्यों नहीं जा रहे, छोड़ो यार हमें क्या, मैं फटाफट अंदर चलता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा ये लैम्बोर्गिनी को देख लेता हूँ भाई, मैं काफ़ी तगड़ी लग रही है यार ये बीचों बीच खड़ी हुई, येलो कलर में अच्छी लग रही है। आई थिंक ये लोग ना भाई अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मैं एक सेकंड भाई इस बंदे से बात कर लेता हूँ। तो गाइस यार मेरी फाइनली इस बंदे से बात हो चुकी है, और भाई ये और कोई नहीं, ये यहाँ का मैनेजर है, और ये कह रहा है कि डायमंड कैसीनो आज बंद है क्योंकि आज रेसिंग टूर्नामेंट था। तो भाई सारा स्टाफ ओनर्स वगैरह वहीं गए हुए थे और यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मैंने इससे पूछा कि भाई रेस का ऐसे ऐसे हुआ है तो फिर क्या सीन है, तो ये कह रहा है कि भाई रेस को अभी ड्रॉ माना गया क्योंकि एक रेस हम लोग जीते हैं और एक रेस कोई और रेसर जीता है। तो ये कह रहे हैं इसके बाद, ओए भाई साइड हो जल्दी यार,
कैसे एड़ों की तरह गाड़ी चला रहा है ड्राइवर इसका, आराम चला ले भाई। हाँ गाइस, तो वो बंदा ये बता रहा था कि भाई रेसिंग टूर्नामेंट हो चुका है ड्रॉ, और मैंने क्या अब फिर विनर कैसे डिसाइड होगा और वो कार किसको मिलेगी। तो ये कह रहा है कि भाई वो कार इंपोर्ट होकर वापस दुबई जा रही है और वो कार एक महीने बाद आएगी और उसके बाद दोबारा तीसरी रेस होगी और वो रेस जो भी बंदा जीतेगा वो कार उसको मिल जाएगी। तो गाइस यार ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हो गया है, क्योंकि भाई मैं एक महीने तक नहीं रुक सकता वरना डगन बॉस जिमी और लेस्टर दोनों को मार डालेंगे। ये सब नौटंकी तो हमारे साथ हो ही रही है, लेकिन हमारे साथ एक और तगड़ा सीन हो गया है भाई कि अगर हमें उस कार को चुराना है तो आज ही चुराना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो आज ही इम्पोर्ट होकर वापस दुबई जा रही है एयरपोर्ट से। मतलब हम लोगों के पास सिर्फ आज रात तक का टाइम है, वरना भाई हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा और हम लोग उस कार को चोरी नहीं कर पाएंगे, ना ही लेस्टर को बचा पाएंगे और ना ही जिमी को। तो मैं काम करता हूँ यार, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मैं ना अंडरवाटर माफिया से हेल्प मांगता हूँ, उससे थोड़ी सी सिक्योरिटी और एक दो उसकी कार्स मांग लेता हूँ जिससे भाई हम लोग जाके उस कार को चुरा पाएं। वैसे मेरे को पता नहीं है कि अंडरवाटर माफिया हमारी हेल्प करेगा या फिर नहीं, लेकिन यार फिर भी एटलीस्ट मेरे को उससे एक बार तो पूछ लेना चाहिए। तो फटाफट चलता हूँ मैं घर और रस्ते में अंडरवाटर माफिया से बात कर लूँगा, लेट्स गो यार। तो गाइस यार फाइनली मेरी अंडरवाटर माफिया से बात हो चुकी है और हमारे लिए एक गुड न्यूज़, अंडरवाटर माफिया ने हमें हाँ बोल दिया है, वो कह रहा है कि वो हमारी हेल्प कर देगा, वो सिक्योरिटी भेज देगा और भाई एक कार भी भेज देगा। तो यार हमारा काम आधे से तो ज़्यादा हो चुका है, अब बस हमें एयरपोर्ट पहुंचना है और वहां पर जाकर भाई उस कार को ढूंढना है और चुपके से उस कार को चुराना है। लेकिन यार हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा भाई, वो डायमंड कैसीनो के ओनर की कार है वो, मतलब वहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है। ये वाले बंदे भाई, ये वाले गार्ड और ये वाली कार तो जा रही है वापस और दूसरी कार आ रही है, जब तक वो कार आ रही है मैं फटाफट जाकर भाई कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। लेकिन ये जो कार की चोरी करने वाले हम लोग, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि भाई डायमंड कैसीनो का ओनर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, तो भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली, ये तो मैं जानता हूँ। तो फटाफट चल के मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, लेट्स गो। तो यार मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए, मतलब मैंने वैसे कपड़े चेंज नहीं करे हैं, बस एक हेलमेट पहन लिया है जिससे भाई कोई बंदा मेरा फेस वगैरह ना देख पाए और मेरे को पहचान ना पाए। अब मैं फटाफट नीचे चलता हूँ, नीचे जाकर देखता हूँ कि भाई अंडरवाटर माफिया के बंदे आ गए हैं या फिर नहीं। उसके बाद जल्दी से अपने फॉर्च्यूनर को निकालते हैं और भाई सीधे चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि गाइस यार हमारे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, जो करना है हमें आज के आज ही करना है। और सामने की तरफ आई थिंक भाई अंडरवाटर माफिया के बंदे भी आ चुके हैं। और वेट यार गाइस, क्या एड़ा बंदा है भाई ये, इसने जाके गाड़ी भेड़ दी गेट पे ही। अबे ये बंदे भेजे हैं उसने भाई, ये तो वहाँ मरवा देंगे हमें बंदों के बीच में। भाई एक सेकंड भाई, कहाँ चला के पीछे वो बैस्केट आगे भाई, आराम से भाई, क्या चला रहा है गाड़ी, लो भाई लो। अबे क्या गधे बंदे है भाई, वहाँ सामने जाके भेड़ दी भाई गाड़ी। भाई भाई फटाफट चलते हैं यार, मैं गाड़ी निकालता भाई, इन पागलों के चक्कर मत रहो। तो गाइस फाइनली मैं अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर आ चुका हूँ भाई, फटाफट चलते हैं अपन लोग। कहाँ गए भाई वो, अबे कहाँ घुसेड़ रहा है गाड़ी भाई, इधर आ इधर आ, चल एंट्रेंस पे पीछे करा जल्दी है फटाफट। भाई क्या गधे बंदे भेजे हैं कसम से यार, आ जा भाई। चलो गाइस यार फाइनली एटलीस्ट आ तो चुके हैं भाई ये बंदे। अब यार पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई इन बेवकूफ बंदों के भरोसे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट इतनी सिक्योरिटी के बीच में, पर खैर कोई नहीं यार, कर भी कह सकते हैं, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कोई और तो बचा नहीं है, लेस्टर होता तो वो भी बंदे भेज सकता था, प्लान वगैरह बना सकता था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं भाई वो तो अपने भरोसे कर रहे हैं और भाई एक भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है। अब भाई मेरे को लेस्टर की इंपॉर्टेंस समझ आई, तो फटाफट चलते हैं यार एयरपोर्ट, लेट्स गो। गाइज यार फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भाई गेट खोल दे यार। ओ वेट भाई, अबे ऐसे शक ना हो जाए भाई, सॉरी भाई गलती से हो गया। अबे यार ये कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, टक्कर हमारी एकदम टूट गया। चलो गाइज फाइनली गेट तो अपना खुल चुका है एयरपोर्ट का और यहाँ पर मैं एंट्रेंस पे भी आ चुका हूँ। लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, लेकिन भाई यहाँ पर तो कोई कार या सिक्योरिटी कुछ भी नहीं दिख रही है मेरे को। वो कार जहाँ पर भी होगी ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। अरे अरे वेट गाइस यार, मैं इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो भूल ही गया, मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर बाहर की तरफ खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो इस कार की मदद से हम लोगों को पकड़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई हम लोग कहाँ पर रहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कार यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ, यहाँ पर से कोई कार चुरा लेता हूँ और इनमें से ना एक बंदा भाई ये कार मेरी बाद में ले आएगा। ओके वेट, यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सी क्लासिक विंटेज सुपर कार खड़ी है गोल्डन कलर में, मैं एक काम करता हूँ भाई इसे चुरा लेता हूँ, इससे ना शक भाई उस गोल्डन कार के ओनर पे जाएगा, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो भाई अपन लोग फटाफट चलते हैं भाई, ये इनमें गार्ड में से एक गार्ड भाई बाद में आकर अपनी फॉर्च्यूनर उठाकर ले जाएगा, अभी फिलहाल हम लोग फटाफट से ढूंढते हैं यार उस कार को। इधर की तरफ तो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रही है, पता नहीं यार वो कार कहाँ जा चुकी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा लेफ्ट साइड में है कहाँ पर है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड तो मैंने देख लिया, अब भाई सिर्फ सामने की तरफ हम लोग जाकर देख सकते हैं। आई थिंक यार, आई थिंक नहीं, आई विश कि भाई वो कार मेरे को मिल जाए, ऐसा ना हो कि भाई हम लोग लेट हो गए और भाई वो फ्लाइट से निकल गई हो कार, ऐसा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हो जाएगा। और सामने की तरफ भी कुछ नहीं दिख रहा यार, मेरे को सच में दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ पर है भाई वो कार यार। यहाँ पर तो बंद है, जेट वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पर, प्राइवेट प्लेन्स, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओके वेट,
सामने की तरफ मेरे को काफी ज्यादा सिक्योरिटी दिख रही है। यहाँ पर एक रेंज रोवर खड़ी है, जी वैगन खड़ी है, दो लिमोजीन खड़ी है। ओके वेट भाई, अब मैं समझ गया, वो यहीं पर है, गोल्डन प्लेटेड बुगाटी। इस एयरक्राफ्ट का नाम है आई थिंक पेगासस। तो एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और अपनी स्नाइपर निकालता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि बंदे कहाँ पर है। अबे भाई गाड़ी लगा साइड में, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, ओए मैं आज की क्या बेवकूफ़ बंदे हैं भाई, मेरी गाड़ी में भेड़ दी, पागल बंदा भाई। ये लोग तो अपने को मरवाने आए हैं भाई, दूसरी गैंग की तरफ से खेल रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मैं काम करता हूँ यार, स्कोपिंग करके देखता हूँ कितनी सिक्योरिटी है सामने। ओके वेट यार, सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी खासी है भाई। यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन भी है भाई, दो वेपन वाली लिमोजीन है, यहाँ पर एक हेलीपैड हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाऊँ? नहीं यार, इसे उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो कैप्टन है, उसके पास वेपन नहीं है। एक मोटर, इसे निकाल दो, चल तेरी भैंस की, चल बेटे तू भी खानी कर यहाँ से, चल तेरी भैंस की, लेट्स गो, चल तेरी भैंस की, इसे पता ही नहीं है भाई। ओके वीड भाई, पंदे आ रहे हैं, अब मारो भाई, तुम भी मारो, मैं अकेला गोली मार रहा हूँ। एक सेकंड भाई, अब थोड़ा पास आ चुके हैं, शॉटगन से निकाल दो, चल तेरी भैंस की भाई, टोपले पे हेडशॉट, आ जा बेटे, आ जा आ जा, चल तेरी भैंस की टांग, रुक जा भाई, स्नाइपर की एमओ ऐसे भी कम है। अबे भाई उतरो, क्या कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो भाई, गोली वोली मारो। एक सेकंड, ओ वेट, भाग गए भाई वो, ओबे भाई, भाई मेरे को गड़बड़ लग रही है भाई, अंडर वाटर माफिया ने हमारे खिलाफ साजिश करी है क्या भाई ये? अबे यार ये क्या सीन है, भैंस की टांग, निकल यहाँ से। ओबे भाई बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, चारों तरफ से घेर लेंगे, मेरे को यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, निकल भाई निकल जल्दी। अरे बैठ भाई, मैं कल एक काम कर, निकल यहाँ से भाई, यहाँ तो अपनी लकड़ी फंस जाएगी, निकल निकल, उड़ा दे से गाड़ी से, चल तेरी भैंस की। भाई साहब गोलियाँ बरसा दी उन्होंने चारों तरफ। ओके वेट, फाइनली अब ये लोग आ चुके हैं भाई। फट्टू, वो तुम कहाँ भाग गए थे गधे के बच्चों? ओ भाई साहब लो, क्या नाड़ी है भाई, आते ही मर गया हमारा एक बंदे को, चल तेरी भैंस की निकल, चल तू भैंस की टांग तेरी। भाई सबको तो मैंने ही मारा है, क्या नल्ले बंदे हैं भाई ये, दो बंदे मर चुके हैं, आखिरी बंदा बचा है इनका बस। अब यार अपना भी तो सिर्फ एक ही बंदा बचा है। अबे भाई तू जिंदा रही हो यार, तेरे को अपनी गाड़ी मतलब फॉर्चुनर लेके आनी है भाई, ऐसा ना हो तू भी मर जाए, और भाई अपनी गाड़ी कौन लेके आएगा फिर? मैं काम करता हूँ भाई, यहाँ पर देखता हूँ, और तो सिक्योरिटी कोई नहीं है ना? नहीं यार, आई थिंक मैंने सारे सिक्योरिटी डाउन कर दिए। यहाँ पर भाई कितनी तगड़ी तगड़ी लिमोजीन है, मैं सोच रहा हूँ भाई सारी गाड़ी चुरा दूँ। वेट भाई, इन्हें होश ही नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं ऐस की टांग तुम्हारी आधे से सिक्योरिटी मार दी, आई थिंक अभी निकल के आएंगे भाई बाहर, चल तेरी भैंस की निकल यहाँ से। अबे बे तेरी भैंस की, ओह ओह आराम से भाई, कहाँ चला दी मैंने गाड़ी? वैसे कार तो यार पावरफुल है भाई, कुछ हुआ नहीं इस कार को, चलो उड़ाता रुक जा, चल तेरी भैंस की टांग, रुक जा भाई, आखिरी बंदा बचा ना, ले ले तेरी भैंस की, मर गया। अबे ले तेरे ऊपर तो गाड़ी चढ़ा दूँगा, निकल यहाँ से, और तो कोई नहीं है ना, गधे के बच्चे कहाँ भाग रहे हो भाई? ये तो आई थिंक स्टाफ वगैरह है जो एयरपोर्ट का होता है। हमने सारे बंदे वैसे तो मार दिए हैं, और वेट यहाँ पर एक रोल्स भी है भाई, दो लिमोजीन, जी वैगन, रेंज रोवर। भाई बंदा तो भाई पैसे वाला है, यहाँ पर प्राइवेट जेट है, एक कार्गो प्लेन है, हेलीपैड है भाई, मतलब इससे ज़्यादा पैसा वाला क्या ही बंदा होगा। अब फटाफट अपन लोग ये बुगाटी लेके चलते हैं, और भाई एक सेकेंड, अपने पीछे पुलिस भी पकड़ चुकी है। आई थिंक जो पुलिस का स्टाफ यहाँ से भाग गया था ना भाई, उसने कॉल करके बता दिया होगा हमारे बारे में, पर कोई नहीं, अपन लोग ऐसे फटाफट निकलते हैं। और भाई बुगाटी की साउंड सुनो यार आप लोग एक बार, क्या ही तगड़ी साउंड आ रही है यार, बहुत ज्यादा प्यारी साउंड है। लेट्स गो, फटाफट अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। ओ वेट, ओए अबे यार मुझसे गलती से बटन दब गया, शिट शिट, भाग 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 यार। अबे यार एक तो वैसे पुलिस पीछे पड़े भी, और भाई साहब मैं ऐसे गधे वाले काम कर रहा हूँ, निकल भाई निकल निकल निकल, जल्दी 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 भागना भाई, और गाड़ी भी इतनी ज़्यादा दूर जाकर रुकी है, और भाई अगर गाड़ी में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो भाई अपन से ठीक भी नहीं हो पाएगी ये। जल्दी चल भाई जल्दी चल, यहाँ पे तो कोई नहीं है, फटाफट निकलते हैं, जल्दी बैठ भाई, लेट्स गो यार, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी भगा 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 भगा। पिकअप तो यार इस कार में है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने भाई घेर लिया, मान लो पूरी रोड ब्लॉक वगैरह कर दी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक मसल कार नहीं है, सुपर कार है, ये पूरी तरीके से टूट जाएगी और हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और इसका स्पॉयलर देखो भाई क्या उठ रहा है भाई हवा में, ओ भाई सब मक्खन। अबे खुल जा भाई, खुल जल्दी, निकल 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 निकल, भाग 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 जल्दी जल्दी भाई जल्दी जल्दी। पुलिस ऊपर से अपने को ढूंढ रही है, ऊपर की तरफ है पुलिस और नीचे की तरफ भी है, लेकिन अपन लोग फटाफट फिर भी निकल जाएंगे भाई साहब यहाँ से, लेट्स गो, आराम से आराम से आराम से। भाई साहब लेफ्ट साइड में थोड़ी सी भीड़ दी है मैंने, अब मेरे को पहले इसको शोरूम लेके जाना पड़ेगा बैनी के पास, थोड़ा इसमें काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा बहुत ठोक दिया है, तभी मैं इसे डक्कन बॉस को दे पाऊंगा, वरना भाई वो कहेगा तुमने तो भाई टूटी फूटी गाड़ी ला के दे दी मुझे, और भाई वो नहीं छोड़ेगा जिमी और लेस्टर को, और हमें और पकड़ लेगा वहाँ। लेट्स गो गाइस, सामने तरफ से पुलिस आ रही है, मैं काम करना जंप कराता हूँ, लेट्स गो यार। ओ भाई साहब आराम से, भाई भाई पलट मत पलट मत, ओफ और दर्द भाई, और नुकसान हुआ, और खर्चा होगा अपना शोरूम में जाके, कोई नहीं यार, पर एटलीस्ट हमें कार तो मिल गई है, और पुलिस से भी ऑलमोस्ट मैं स्केप हो चुका हूँ, मतलब अभी पुलिस फिलहाल तो अभी पीछे नहीं है, मतलब अभी खो गई है वो। और एक बुगाटी और यहाँ पे, बुगाटी शिरोन ब्लू कलर की, लेकिन हमारी गोल्ड प्लेट, और फिर भाई सामने की तरफ से पुलिस आ चुकी है। लेट्स गो यार, भाग भाई भाग यार, बुगाटी को यार थोड़ा हाईवे पे लेके जाता ना मैं तो इजीली भाग भी जाती, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई फिर भी बहुत भाग रही है, 200 तो भाई ये ऐसे ही छू दे रही है मजाक में। जल्दी से इसे भगाते हैं, फटाफट शोरूम चलते हैं, लेट्स गो।
तो गाइज यार फाइनली मैं शोरूम के पास आ चुका हूँ और भाई कार में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब उसकी लाइट वगैरह भी फूट चुकी है और स्क्रैचेस वगैरह भी आ चुके हैं। लेकिन यार कार बहुत ज्यादा प्यारी चल रही है, मन नहीं कर रहा डगन बॉस को देने का, लेकिन लेस्टर और जिमी के लिए देनी पड़ेगी। तेरी भैंस की क्या तगड़ी रिफ्ट मारी तुम्हारे भाई ने। और फटाफट मैं बैनी के पास चलता हूँ, आराम से भाई मैं बैनी के पास चलता हूँ, इस कार को रिपेयर करवाता हूँ, उसके बाद इस कार को सीधा लेके जाता हूँ डगन बॉस के घर। जल्दी से मैं बैनी को ढूंढ के लेके आता हूँ कार पर, उससे काम करवाता हूँ। एक्चुअली मैंने बैनी को बताया भी नहीं है कि भाई मैं ऐसी कार लेके आ रहा हूँ चुरा कर। तो यार वीडियो करते हैं पर एंड, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डगन बॉस के घर चलेंगे और जिमी और लेस्टर को छुड़वा के लाएंगे। तो गाइस वीडियो करते हैं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।